हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपके शरीर में कहीं काला बन आ गया है, आपकी गर्दन काली पड़ गई है, या आपके घुटने काले हो गए, या आपकी कोहनियाँ काली हो गई है, जो आपके शरीर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, बहुत ही खराब सी लगती है, तो दोस्तों आज उसको रिमूव करने के मैं आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगी। जी हाँ, गर्मियों में अक्सर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि हमारी जो गर्दन होती है काली पड़ जाती है और हमारे बॉडी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, फिर कितनी मेहनत करती फिर भी ये काली खत्म नहीं होती। तो आज मैं लोगों को एक नुस्खा बताऊंगी जो बहुत ही आसान होगा और आप आराम से इसे कर सकते हैं। आपको कुछ ही दिन इसको लगा के देखना है और कुछ ही दिन में आपको इसका रिजल्ट 100% गारंटी के साथ रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ गया तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भी। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सिर्फ दो चीज़ें लेनी है, ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको सिर्फ एक आलू लेना है और एक तरीके से एक नींबू लेना है। आलू और नींबू का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों में बैक्टीरिया ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हमारे जो स्किन पे जो पिगमेंटेशन होती है उसको खत्म करके हमारे स्किन पे जो डार्क स्पॉट बोलो पिगमेंटेशन होती है, या जो हमारे जो गर्दन के आसपास जो काली सी हो जाती है, उन सबको खत्म करके हमारे स्किन को बिल्कुल लाइट बनाता है। इस तरीके से आपको आलू लेना है। आलू को आपको क्या करना है, आपको छिलकों के साथ ही इसे पीस करके इसका रस निकालना है। छिलके को अलग नहीं करना है, छिलके के साथ ही इसे लेना है। दोस्तों, मैंने एक जैसे अपने आलू देखा है उसको पीस करके उसका रस निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। जी हाँ, इस तरीके से इसे हम इसमें निचोड़ लेंगे ताकि पूरा जितना रस है नींबू का इसमें मिक्स हो जाए। अब आपको क्या करना है, अब आप चाहे तो एक रुई कॉटन बॉल से या ब्रश से को डिप करके इसमें लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। और आपके जहाँ भी गर्दन पे या कोहनियों पे घुटने पे जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके वहाँ की स्किन बिल्कुल काली सी पड़ गई, तो आपको वहाँ लगाना है इस तरीके से। और लगाने से पहले ध्यान दें कि जो आपकी वहाँ की जहाँ आप लगा रहे हैं वो एरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए, तभी ये ज़्यादा फायदा करेगा। इस तरीके से हमें इसे लगाना है। दोस्तों, इस तरीके से हम इसे लगा करके छोड़ देंगे। जब ये सूख जाएगा 10 से 15 मिनट में आपका पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा, तब हम इसे वॉश कर लेंगे। दोस्तों, मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है। जी हाँ, आपको इसमें कुछ खास फर्क समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि एक बार के एप्लीकेशन से आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गर्दन काली हो जाती है या किसी भी चीज़ को नेचुरल रेमेडी हमेशा टाइम लेती है, और जब आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको उसका फर्क समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं, अगर एक हफ्ता आप कंटिन्यू इसे लगा करके देखते हैं, तो आप खुद फर्क देखेंगे। आपकी जो गर्दन पर जो कालापन रहता है वो धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो बिल्कुल आपकी जो गर्दन पर जो कालिक है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल रेमेडी है। नेचुरल रेमेडी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, टाइम ज़रूर लेती है लेकिन अपना इफेक्ट ज़रूर दिखाती है। तो आप इस नुस्खे को अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी जो गर्दन की कालिक है वो खत्म हो जाएगा। आप इसे अपने एल्बोज नीज पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फेस पे यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इन दोनों की जो नींबू है थोड़ा कम यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नींबू में ब्लीचिंग एजेंट ज़्यादा होता है। तो अगर आप चेहरे पे भी इसे चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्दन पे यूज़ करते हैं नीज पे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो उसे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना भी। मैं मिलती हूँ मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।